मुसाफिर खाना देवरा मार्ग पर बने गोमती पुल के पास हुए गड्ढों को भरने का काम शुरू। अमेठी मुसाफिर खाना देवरा मार्ग की हालत ये है कि अभी 3 साल भी नहीं हुए सड़क को बने हुए की सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। हर साल बरसात के बाद खाना पूर्ति कर इसको छोड़ दिया जाता है और अगले साल फिर वही हाल हो जाता है। इसी मार्ग पर बने गोमती पुल के बगल सड़क पर हुए सुरंग जैसे गड्ढे मौत को दावत दे रहे हैं। ये गड्ढे बारिश के दिनों में पुल के बगल मिट्टी बह जाने के कारण सुरंग का रूप ले लेते हैं और राहगीरों के लिए यह परेशानियों का सबब बनी हुई है। ऐसे में राहगीर व स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी शिकायत भी की। कुछ दिनों पूर्व हमने इसको लेकर खबर भी प्रकाशित की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी मुसाफिर खाना महात्मा सिंह ने जिलाधिकारी अमेठी को पत्र भी लिखा था, जिसके बाद आज प्रशासन इसकी मरम्मत करवा रहा है। मौके पर मौजूद जय ललन राम ने बताया कि बरसात में मिट्टी बह जाने के कारण ये गड्ढे हो जाते हैं, जो बाद में बड़े हो जाते हैं। उच्च अधिकारियों का आदेश है कि इसकी मरम्मत जल्द से जल्द कराई जाए, जिससे लोगों को कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने बताया कि मुसाफिर खाना से लेकर पारा तक इस रोड की मरम्मत की जाएगी। बाइट ललन राम, जय अमेठी से समर बहादुर सिंह। और आज पूरा हो पाया तो कल अवश्य पूरा करा देंगे। और जो भी गड्ढे हैं मुसाफिर खाना से लेकर पारा तक जी, उसका क्या होगा? इसका भी अभी करवाने जा रहे हैं, इसको भी पेंडर सब कैरेज वे जो है, इसका भी हम जेएसबी से या और भी जो उचित होगा अधिकारियों से बात करके इसको भी करवा